10 साल बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में हिस्सा लिया था। जम्मू कश्मीर में कल पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। 7 जिलों की 24 विधानसभा क्षेत्रों के नागरिकों ने कल मतदान किया था। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है, जिसके बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बिना किसी अप्रिय घटना के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। पोल ने आगे कहा कि 59% मतदान पिछले 7 चुनावों में, यानी कि 4 लोकसभा चुनावों और 3 विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक है। अब आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा और किस क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ। किश्तवाड़ जिले में सबसे अधिक 77% मतदान हुआ है, जबकि पुलवामा जिले में सबसे कम 46% मतदान हुआ है। पीके पोले ने उम्मीद जताई है कि आने वाले 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के बाकी 2 चरणों में भी वोटिंग का प्रतिशत बढ़ेगा। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या कहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहले चरण में मतदान करने वाले मतदाताओं को रिकॉर्ड मतदान के लिए हार्दिक बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा, ऐतिहासिक मतदान के लिए जम्मू कश्मीर को बधाई। मैं उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पहले चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में रिकॉर्ड मतदान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था को प्रमाणित करता है। जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने किस मुद्दे पर दिया वोट। जम्मू कश्मीर में इस बार मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है और खुलकर कहा कि हमने मोदी को वोट दिया है, तो वहीं कुछ लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए वोट दिया है। विकास और अपनी सुरक्षा जो है, जिसके दम पे हम बाहर घूम रहे हैं, वो तो आपको ही पता है, सबको पता है। मेन तो विकास और सुरक्षा है। अगर हमारी सुरक्षा है तो तभी विकास का फायदा है। हमारा मुद्दा तो यही है, श्रीनगर में हम अपनी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, तो इसलिए हमें श्रीनगर जाना जरूरी है। हमें 90 से अब इंतजार कर रहे हैं कब हमारा हो जाएगा इधर, तो हम उधर जाएंगे वापस अपने घरों। मैंने ये सोच के कि आपको मोदी साहब का बहुत मदद, वोट पेंशन 1,000 रुपये महीने को देता है और किसान पैसे 2,000 देते हैं 4 महीने के बाद, और मुफ्त राशन मिलती है। हमें और क्या चाहिए, हम बुढ़ा लोग कहाँ से क्या कुछ काम करेंगे। पहले सबसे पहले मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं, मोदी साहब का, जिन्होंने गरीब जनता के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। ओल्ड एज पेंशन, बहनों की शादी, मकान का छत, मकान हर गरीब को मिल रहा है, मुफ्त राशन मिल रहा है, और हाल ही में मोदी साहब ने बोला जो घर में बुज़ुर्ग महिला है उसको 19,000 रुपया और 2 सिलेंडर। ऐसी सरकार हमने पहली बार देखी जिंदगी में। तो जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 24 विधानसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब बारी दूसरे और तीसरे चरण की है। 25 सितंबर को राज्य में दूसरे चरण का मतदान होगा, तो वहीं 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम चरण का मतदान होगा। 8 अक्टूबर को परिणामों की घोषणा की जाएगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।